चैनल नेहा डिजाइन और मैं आपकी दोस्त नेहा भी। आज हम आपके लेकर आए एक सुंदर सी ड्रेस। ये ड्रेस हमने बनाई है 3 से 4 साल की बच्ची के लिए और इसको बनाने के लिए हमारा 1.5 मीटर फैब्रिक यूज हुआ है। तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कट करेंगे अपना टॉप। तो यहाँ से वाले जो हमारे पीस हैं इनको अभी हम हटा देंगे। और देखिए टॉप के लिए हमने ये वाला पीस लिया है और इसका हमारा मेजरमेंट है यहाँ से। लेंथ हमने रखी इसकी 15 इंच पर और विड है हमारी यहाँ से 22 इंच हमारी विड है। और सेम मेजरमेंट में देखिए यहाँ से हमने ये पीस कट किए हुए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन पीस को हम रॉन्ग साइड की तरफ से फोल्ड करेंगे। देखिए इसको हमने रॉन्ग साइड की तरफ से फोल्ड कर दिया है और इसको फोल्ड करने के बाद अब यहाँ से एक बार और हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। और अब करेंगे इसकी मार्किंग शुरू। तो सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ से शोल्डर का। तो शोल्डर का मार्क होगा हमारे यहाँ से 4.6 इंच पर। ये हमारे शोल्डर का मार्क होगा। और अब यहीं से मार्क करेंगे आर्म होल का। तो आर्म होल का मार्क होगा हमारे यहाँ से 4.6 इंच पर। इस तरीके से ये हमारे आर्म होल का मार्क है। और अब मार्क करेंगे चेस्ट का। तो चेस्ट होगी हमारे यहाँ से 5.6 इंच पर। तो ये जो हमारे टॉप है ये हमारा थोड़ा देखिए नीचे से लूज बनेगा। तो इसको हम रखेंगे देखिए यहाँ से इस तरीके से इसको मार्क कर देंगे। तरीके से इसको मार्क करने के बाद अब यहाँ से मार्क करेंगे इसको 1.5 इंच पर। लेकिन यहाँ तक मार्किंग करने के बाद हम मार्किंग करेंगे नेक की। तो नेक का जो हमारा मेजरमेंट है वो हम रखेंगे देखिए नेक की हमारी विड होगी यहाँ से 2 इंच पर। और लेंथ हम रखेंगे यहाँ से इसकी जो हमारा बैक साइड का नेक है उसकी हम लेंथ रखेंगे यहाँ से 2 इंच पर। ये हमारा बैक साइड का नेक है और जो हमारा फ्रंट वाला नेक होगा उसकी लेंथ हम रखेंगे यहाँ से 3.2 इंच पर। तो हमारी जो मार्किंग है वो यहाँ तक हो गई है और अब करेंगे इसकी कटिंग। यहाँ तक मार्किंग करने के बाद अब इन दोनों पीस को हम अलग करेंगे। तो टॉप की कटिंग हमारी हो गई है और इसके बाद अब कट करेंगे स्लीव्स की। तो देखिए इसको हम कभी करेंगे फोल्ड और लेंगे अपने स्लीव्स। स्लीव्स के लिए हमने ये वाला पीस लिया है और इसका हमारा मेजरमेंट है देखिए यहाँ से। लेंथ हमने रखी है इसकी 8 इंच पर और विड है हमारी यहाँ से इसकी 24 इंच हमारी विड है। और ये हमारा एक सिंगल पीस है और अब करेंगे इसको हम यहाँ से फोल्ड। और एक बार अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। आर्म होल का मार्क था हमारा 4.5 इंच पर। तो यहाँ से भी हम इसको 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। और मोहरी का मार्क होगा हमारे यहाँ से 3.5 इंच पर। ये हमारी स्लीव्स हैं। तो स्लीव्स की हमारी कटिंग हो गई है। तो चलिए अब अपने टॉप की स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से हमारा जो फ्रंट वाला नेक है हम ये लेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला नेक है ये लेंगे। और इसकी पाइपिंग के लिए जो हमारे देखिए साइड से पीस बचा हुआ है
हम इन्हीं का यूज करेंगे। ये जो पाइपिंग हमने कट की है, इस पाइपिंग को रखेंगे देखिए नेक के ऊपर, इस तरीके से नेक के ऊपर रखेंगे और अब यहाँ पर लगाएंगे हम एक सिलाई, तरीके से यहाँ पर एक सिलाई लगाकर इसको तैयार कर देंगे। देखिए हमारी जो पाइपिंग है, पाइपिंग को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है और इसके बाद लगाएंगे अब यहाँ पर कट्स। कट्स लगाने के बाद अब पाइपिंग को करेंगे हम रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड। देखिए यहाँ से अब इसको रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे अब यहाँ पर सिलाई। देखिए नेक हमारा तैयार है और इसके बाद लेंगे अपना बैक साइड वाला पीस। तो यहाँ से हमारा देखिए जो बैक साइड का पीस था, इसको भी हमने सेम तरीके से पाइपिंग करके तैयार कर दिया है और अब यहाँ से इसको पलट लेंगे राइट साइड की तरफ से। देखिए ये हमारा फ्रंट वाला पीस है और अब हमें क्या करना है, दोनों शोल्डर पर हम सिलाई लगाएंगे, दोनों शोल्डर को सिलकर तैयार करेंगे और ये जो हमने मार्किंग की हुई है, देखिए ये जो मार्किंग की हुई है इसी के ऊपर लगाएंगे फिटिंग की सिलाई और सेम तरीके से यही सिलाई हमें इस साइड भी लगाकर तैयार करनी है। दोनों साइड पे फिटिंग की सिलाई लगाकर हमने इसको तैयार कर दिया है और अब लेंगे अपनी स्लीव्स, इसको रखेंगे साइड पे। देखिए यहाँ से अपनी स्लीव्स लेंगे और स्लीव्स की मोहरी को करेंगे फोल्ड। मोहरी को हमने फोल्ड कर दिया है और इसके बाद लेंगे अब यहाँ पर हम लेस लेंगे। देखिए हम ये वाली लेस का यूज करेंगे और इस लेस को हम रखेंगे देखिए यहाँ पर मोहरी के ऊपर रखेंगे और अब यहाँ पर लगाएंगे एक सिलाई। इस तरीके से हमें इस लेस को लगाकर तैयार करना है। देखिए यहाँ पर हमारी जो लेस थी, लेस को हमने लगाकर तैयार कर दिया है। अब स्लीव्स को करेंगे हम फोल्ड। इस तरीके से स्लीव्स को फोल्ड कर देंगे और लेंगे हमारा जो टॉप है, अपना टॉप लेंगे और यहाँ से आर्म सोल से इसको नाप लेंगे। ये हमारा यहाँ तक है और अब यहाँ पर लगाएंगे हम एक सिलाई। यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर इसको तैयार कर दिया है। अब अपने स्लीव्स को कर लेंगे हम इस तरीके से सीधा करेंगे स्लीव्स को और स्लीव्स को सीधा करने के बाद डालेंगे आर्म सोल के अंदर। यहाँ से आर्म सोल के अंदर डालने के बाद दोनों जॉइंट को मिला लेना है इस तरीके से और अब यहाँ पर स्लीव्स को और आर्म सोल को मिलाते हुए इन दोनों को मिलाकर लगाएंगे सिलाई। दोनों स्लीव्स को हमने ऐड कर दिया है और दोनों स्लीव्स ऐड करने के बाद अब यहाँ से हमारा जो बॉटम पार्ट है देखिए ये लेंगे और यहाँ से अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। देखिए यहाँ तक हमारा टॉप जो है बनकर तैयार है और इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए जिस तरीके से हमने स्लीव्स पे यहाँ पर ये लेस जो है वो ऐड की है, सेम तरीके से हम यहाँ पर भी लेस को ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम ये लेस लेंगे और इस लेस को हमें देखें यहाँ पर इस तरीके से लगाकर इसको तैयार करना है। हमारा जो टॉप है, टॉप बनकर तैयार है और अब इसके बाद लेंगे हम अपनी पैंट तैयार करेंगे। तो इसको रखेंगे अभी साइड पे। पैंट के लिए हमने देखे यहाँ पर ये वाला पीस लिया हुआ है और इसका हमारा मेजरमेंट है यहाँ से। विड्थ हमने रखी है इसके यहाँ से 9 इंच पर हमारी विड्थ है और लेंथ है हमारी यहाँ से इसकी 19 इंच। 19 इंच हमारी विड्थ है और सेम मेजरमेंट में देखिए हमने यहाँ पर चार पीस जो है ये कट किए हुए हैं। ये हमारे चार पीस हैं सेम मेजरमेंट में। तो चलिए अब इनकी कटिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से हम मार्क करेंगे आसन का। तो हम इसमें बेल्ट जो है वो ऐड करेंगे। तो 1.5 इंच हमारी बेल्ट ऐड होगी और आसन हम रखेंगे यहाँ से देखिए इसको रखेंगे 9 इंच पर और यहाँ से इसको हमने मार्क किया 7.5 इंच पर और 7.5 इंच पर ही हम इसको यहाँ से मार्क करेंगे। इस
तरीके से। और यहाँ से हमारी जो मोली है, मोली हम रखेंगे यहाँ से 7 इंच पर। और अब ये जो मार्किंग की है इसी की करेंगे कटिंग। इस तरीके से ये हमारी जो पैंट है, पैंट की कटिंग हमारी यहाँ तक हो गई है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम दो पीस लेंगे। देखिए हमने यहाँ देखिए यहाँ पे दोनों पीस को अलग कर दिया, ये हमारे दो पीस हैं और यहाँ पर भी ये हमारे दो पीस हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, दो पीस को लेंगे और यहाँ से राइट साइड को मिला लेंगे। दोनों राइट साइड को हमें एक साथ मिलाना है इस तरीके से, और आसन को सिलकर तैयार करेंगे। देखिए यहाँ से हमारा जो आसन था, आसन को सिलकर हमने तैयार कर दिया है। और अब इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे बेल्ट। तो उसके लिए अब हम लेंगे अपने बेल्ट। देखिए यहाँ पर हमने ये बेल्ट ली है और इसका जो हमारा मेजरमेंट है वो हमने रखा है। देखिए यहाँ से विड्थ हमने रखी है इसकी 5.5 इंच पर, और लेंथ है हमारी यहाँ से 15 इंच हमारी इसकी लेंथ है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अपने लिए लेंगे, देखिए रॉन्ग साइड से अपने पेंट लेंगे और ये जो हमने बेल्ट कट की है इसको रखेंगे इसके ऊपर, और अब यहाँ पर लगाएंगे सिलाई। देखिए यहाँ से हमारी जो बेल्ट थी इसको हमने ऐड कर दिया है, और अब यहाँ से इसको पलट लेंगे, इस तरीके से करेंगे इसको फोल्ड और इसके ऊपर लगाएंगे अब एक सिलाई। इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगाकर इसको तैयार करेंगे। बेल्ट को हमने ऐड कर दिया है और इसके बाद अब यहाँ पर लेंगे हम इलास्टिक। तो उसके लिए देखिए हमने ये इलास्टिक जो है ये यूज़ करेंगे, और इसका हमारा मेजरमेंट है यहाँ से, इसकी हमने लेंथ रखी देखिए यहाँ से 9.5 इंच पर। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सेफ्टी पिन की हेल्प से इलास्टिक को इसके अंदर डालेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक सिलाई लगाकर इसको तैयार करेंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब इलास्टिक जो है वो निकाल लेंगे बाहर की तरफ इस तरीके से, और अब यहाँ पर एक सिलाई लगाकर इसको तैयार करेंगे। देखिए दोनों साइड से हमने सिलकर इसको तैयार कर दिया है, और अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से इसको इस तरीके से रखेंगे और एक सिलाई लगाएंगे हम यहाँ पर, इसके बीच में एक सिलाई लगाकर इसको तैयार करेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा जो बैक साइड वाला पीस है ये हमारा तैयार है, और इसके बाद लेंगे अब अपना फ्रंट वाला पीस तैयार करेंगे, इसको रखेंगे अभी साइड पे। तो अभी अपने लेंगे हम फ्रंट वाला पीस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से दोनों पीस को मिला लेंगे रॉन्ग साइड की तरफ। रॉन्ग साइड की तरफ से मिलाने के बाद अब यहाँ से इसको हम फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरीके से। देखिए यहाँ से बिल्कुल इक्वल हमें इसको फोल्ड कर देना है, और अब इसको मार्क करेंगे। देखिए यहाँ से हम इसको मार्क करेंगे 5 इंच पर, 5 इंच पर इसको मार्क करेंगे, और यहाँ पर लगाएंगे अब एक सिलाई। देखिए इस तरीके से हमें एक सिलाई लगाकर इसको तैयार करना है, और यहाँ से हमारी जो प्लेट होगी इसमें हम दबाव देंगे। देखिए 1/2 इंच का 0.5 इंच पर हम इसको यहाँ से सिलाई का दबाव देते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगाकर इसको तैयार करेंगे। देखिए दोनों पीस पे हमने प्लेटें डालकर इसको तैयार कर दिया है, और देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने प्लेटें डालकर तैयार की है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ से दोनों आसन को मिला लेंगे। देखिए इस तरीके से दोनों आसन को मिला लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे सिलाई। अब यहाँ पर देखिए आसन को सिलकर हमने तैयार कर दिया है, और अब इसके बाद हम यहाँ पर भी बेल्ट को ऐड करेंगे। देखिए ये जो हमारी बेल्ट है, बेल्ट हमने कट की है सेम मेजरमेंट में जो हमने बैक साइड पे ऐड की थी। अब यहाँ से देखिए इसको हम रखेंगे रॉन्ग साइड की तरफ, और यहाँ पर लगाएंगे एक सिलाई। बेल्ट को ऐड करने के बाद अब यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे, और एक बार यहाँ से फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और अब लगाएंगे इसके ऊपर सिलाई। देखिए यहाँ से हमारी जो फ्रंट वाला पीस है, फ्रंट वाला पीस भी हमारा तैयार है। और अब हमें क्या करना है, अब लेंगे अपना बैक साइड वाला पीस।
देखिए यहाँ से अपना बैक साइड का पीस लेंगे इस तरीके से, और अब यहाँ पर मिला लेंगे इन दोनों पीस को, दोनों पीस को मिला लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे अब एक सिलाई। दोनों साइड से हमें इन दोनों पीस को सिलकर इस तरीके से यहाँ से इनको तैयार करना है। दोनों साइड से सिलकर इसको हमने तैयार कर दिया है, और अब इसको तैयार करने के बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से ये जो हमारा जॉइंट है, देखिए साइड पे ये साइड में जो हमारा जॉइंट है इसको रखेंगे हम देखिए इस तरीके से, और अब इसको दबाते हुए यहाँ पर लगाएंगे सिलाई। देखिए इसको इस तरीके से पलट लेंगे और अब यहाँ पर इसके ऊपर एक सिलाई लगाकर इसको तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर इसको तैयार कर दिया है और ये इस तरीके से हमारा तैयार हुआ है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अब यहाँ से हमारी जो मोहरी है, मोहरी लेंगे और मोहरी को करेंगे हम फोल्ड इस तरीके से, मोहरी को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे सिलाई। देखिए हमारी जो मोहरी है, मोहरी को हमने फोल्ड कर दिया है, और अब मोहरी को फोल्ड करने के बाद हम लेस लेंगे अपने, देखिए यही जो लेस हमने अपने टॉप पे लगाई है लेस को लेंगे इस तरीके से और मोहरी पे लगाकर तैयार करेंगे सेम तरीके से जिस तरीके से हमने अपने टॉप पर लगाकर इसको तैयार की है। देखिए मोहरी पे लेस लगाकर हमने इसको तैयार कर दिया है और अब यहाँ से इनको फोल्ड करेंगे इस तरीके से और अब यहाँ पर लगाएंगे एक सिलाई। देखिए दोस्तों हमारी जो ड्रेस है बनकर तैयार है। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कल फिर मिलेंगे हम आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।